यूएन में पाकिस्तान की फिर हुई है किरकिरी। सीधे आपको न्यूज एक्सप्रेस वे पर लिए चलते हैं, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को फिर कड़ी फटकार लगाई। यूएन में भारतीय काउंसलर प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान को आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह बताया और उसे नसीहत दी कि पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत पाकिस्तान के उकसावे में नहीं आएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मार्च में भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में स्वास्थ्य, ऊर्जा और आपदा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री 1 से 3 मार्च तक भारत दौरे पर रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इसकी वोटिंग में भारत समेत 32 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव का नाम यूक्रेन में एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति रखा गया था। 193 सदस्यों की इस महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में 143 और विरोध में 7 मत पड़े। अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैराइन जीन पेरे की गलती से जुबान फिसल गई और उन्होंने बाइडेन की जगह ओबामा को राष्ट्रपति कह दिया। हालांकि फिर तुरंत ही उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसमें सुधार कर लिया। कैराइन ने 2008 में बराक ओबामा के इलेक्शन कैंपेन में भी अहम भूमिका निभाई थी। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर दुनिया भर में ये जंग रुकवाने की आवाज फिर बुलंद हुई है। फ्रांस के आईफिल टावर पर यूक्रेनी झंडे के रंगों में लाइटिंग की गई। रूस के मॉस्को में आसमान शानदार आतिशबाजी से नहा गया। दरअसल वहां सोवियत संघ की सेना के स्थापना दिवस के मौके पर यह आयोजन हुआ। साथ ही यूक्रेन पर रूस के हमले को भी 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर वहां कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।